हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं आपको हाथ से लिखने वाली वीडियो के बारे में बताऊंगा, वो भी बिना वीडियो स्क्राइब के, अपने एक छोटे से काइन मास्टर ऐप के द्वारा। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अपना हाल चाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी, छोटी सी वीडियो क्लिप जो मैंने ऐड की हुई थी, वो मैंने बनाई है अपने मोबाइल के काइन मास्टर ऐप से। कोई वीडियो स्क्राइब ऐप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से करीब एक साल पहले वीडियो स्क्राइब ऐप बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा था, काफी लोग ग्रो हो रहे थे। बट हुआ क्या कि कुछ लोगों ने उसका पेड वर्जन यूज करना स्टार्ट कर दिया। पेड वर्जन यूज स्टार्ट करने से क्या हुआ कि वीडियो स्क्राइब जो कंपनी है जिसका वो एप्लीकेशन था, उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो उसने वो एप्स को कुछ दिनों के लिए अपना जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि पीसी लैपटॉप में ही वो अवेलेबल किया। बट उसमें भी आपको एक सप्ताह या एक महीने का फ्री ट्रायल दिया जाता है, उसके बाद आपको पीसी में भी वो एप्स परचेस करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं लोग कि हाथ से लिखने वाली वीडियो कैसे बनाएं, हाथ से लिखने वाली फोटो कैसे बनाएं। तो आज मैं बस आपके लिए यही लेकर आया हूं कि आप अपने काइन मास्टर से बना सकते हैं ये सब। जैसा कि आपने पहले मेरी जो स्क्रिप्ट देखी, तो वो मैंने भी काइन मास्टर से बनाई। कैसे बनाई है, तो चलिए चलते हैं सीधी वीडियो की ओर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे काइन मास्टर से बनाना है, आपको क्या करना है, क्या सेटिंग्स करना है, कैसे एडिटिंग करना है। तो चलते हैं सीधे मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो मैं आ चुका हूँ अपने काइन मास्टर पे। आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 1690 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर मीडिया ब्राउजर में जाके, याद रहे आपको सिर्फ वाइट बैकग्राउंड ही चूज करना है। तो इसको आपको लेंथ को थोड़ा बड़ा कर लेना है जितना कि आपकी वीडियो का साइज हो। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। अब जो भी आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं वो टेक्स्ट डाल दीजिए, जो भी आप हाथ से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको हाथ से लिखने वाली वीडियो फ़ोटो के बारे में बताऊंगा, वो भी काइन मास्टर ऐप से। तो मैं फटाफट से लिख लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। तो मैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैं अभी जल्दी से जल्दी इसको लिख ले रहा हूं, बट अलग अलग करके लिख ले रहा हूं। एक ही अगर लाइन में लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो कुछ एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट्स आप अलग अलग लिख लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप ये लिखने के बाद देखिए, मैंने लिख दिया, हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज मैं आपको हाथ से लिखने वाली वीडियो बनाना सिखाऊंगा काइन मास्टर से, ना कोई वीडियो स्क्राइब, ना कुछ ना कुछ। तो फटाफट से मैंने लिख के और इसको मैं कर देता हूँ डन। तो डन करते ही ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसका खींच के थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब इसका जो कलर्स है वो वाइट में कुछ दिख नहीं रहा, तो आपको इसका कलर भी चेंज करना है। तो चलिए मैं कलर्स को चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये रेड वाला वो ठीक लग रहा है, तो ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन पर अच्छे से फुल बैठ जाए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऊपर जो इन एनिमेशन लिखा है इस पर आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है और लेटर बाय लेटर करना है। तो ये देखिए, अलग अलग लेटर्स में जो लिखाई दे रहा है इसको आप नीचे 3.0 पर कर दीजिए ताकि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाए। इसके बाद आपको जाना है लेयर में, और मैं आपको बता दूं कि आप गूगल इमेज से एक हैंड्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारे हैंड्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस हैंड्स की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको ये लगाना है इसके नीचे और आपको सही से इसको फिट करना है। और हैंड्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक की का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपको वो की वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको काफ़ी अच्छे से मूविंग करना है। जैसे जैसे आपके टेक्स्ट चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको हैंड्स को मूव करते जाना है। तो चलिए मैं फटाक से कर लेता हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाना है, तो ये मैंने आगे बढ़ाया। और ऐसे ही आपको पूरी वीडियोज़ का जो है वो कर लेना है। तो मैं आपको अभी प्ले करके भी बताऊंगा। तो मैं पहले इसकी सेटिंग्स कर लेता हूं। तो अभी थोड़ा सा इसमें आपको बारीकी से काम करना होगा, तभी ये सही साट वर्क करेगा। तो ये देखिए, मैंने काफ़ी बारीकी से इसको बना रहा हूं। आप और अच्छे से अपने ध्यान से बना लीजिए, क्योंकि मेरे को तो अभी वीडियो बनाना था, तो मैं उतने कोई एडिटिंग जल्दबाजी में कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा एडिटिंग मैंने अभी की नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत बारीकी से आप जिस जहाँ जहाँ से टेक्स्ट चलते हैं आप उनके साथ इस हैंड्स को चलाइए।
तो आपकी वीडियो अच्छे से बन जाएगी। देखिए अब ये बन चुकी है, तो एक बार मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ, शायद जहाँ तक मैंने काफ़ी अच्छी सी एडिटिंग हुई होगी। तो चलिए एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी एडिटिंग हुई है, तो वीडियो स्क्राइब की बिल्कुल जैसी की तैसी वीडियो स्क्राइब जैसी हुई है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर आके ये टेक्स्ट भी ख़त्म हो रहे हैं, हैंड्स भी, तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा पार्ट इसका कट कर देता हूँ, हैंड्स का भी कर देता हूँ। तो ये तो हुई हाथ से लिखने वाली। अब मैं आपको बताऊँगा कि हाथ से जो फ़ोटोज़ रहती हैं वो आप कैसे बना सकते हो। तो कोई भी एक आप फ़ोटोज़ ले लीजिए जो आपको लेना है। तो जैसे मैं एक ये वीडियो स्क्राइब की ही फ़ोटो ले लेता हूँ, तो इसको मैंने अपना साइज में जो भी है वो फिट कर लिया, और इसको आपको इन एनिमेशन पे जाके आपको करना है, सीधा आपको करना है। अब मैं अभी आपको बता देता हूँ, वाइप डाउन पर इसको करना है। तो वाइप डाउन पर आप करते ही फिर वही हैंड्स लीजिए और वही प्रोसीजर आप दोबारा दोहरा सकते हैं। तो चलिए वही की वाले ऑप्शन जो की है वहाँ पे आप इसको अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक की ऑप्शन किया, ये थोड़ा नीचे आ गया, तो मैं हैंड्स को भी थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ। तो ये आप देखिए काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अब मैं इसको एक बार प्ले करके देख लेता हूँ, ये देखिए, और ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको एक इमेज और बता देता हूँ, अभी इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैं कट कर देता हूँ। तो अभी मैं काइनमास्टर का जो लोगो है वो भी आपके सामने अभी एडिट करके बता देता हूँ। तो चलिए मैंने ये काइनमास्टर का जो लोगो है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको फिर वही इन एनिमेशन पे जाना है और वाइप डाउन करना है। तो वाइप डाउन मैं कर लेता हूँ जल्द से जल्द। वाइप डाउन कहाँ गया, ये मैंने कर लिया। इसकी जो है स्पीड को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये स्लो वर्क करे। तो चलिए अब मैं वही हैंड्स वाला प्रोसीजर आपके सामने फिर से लेके आऊँगा। वो हैंड्स आपको लेना है, अगर हैंड्स आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप गूगल इमेज पे जाके PNG हैंड्स लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे हैंड्स आ जाएंगे। तो चलिए इसको भी मैं उसी की वाले ऑप्शन से सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए लगभग लगभग ये पूरा सेट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं कि इसके एक बार मैं आपको बता दूं कि ये जो अब एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब प्ले करके देखता है, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हो चुका है, जैसा कि वीडियो स्क्राइब से होता था वैसा का वैसा ये हो चुका है। और ये काइनमास्टर वाला जो सभी आप और भी बारीकी से करेंगे तो और अच्छे से अच्छा ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो ऑल सेलेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।